महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का जिला मुख्यालय पर 2 घंटे के प्रदर्शन में जहां किरण गुट ने दूरी बनाई रखी, वहीं हुड्डा गुट द्वारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी की, एक बार पुलिस की गाड़ी में बैठे और उतर गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ अनजान के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन था। चरखी दादरी में हुड्डा गुट के कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय परिसर में धरना देते हुए प्रदर्शन दिया। आपको आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान से पूरे देश में जिले वाइज महंगाई के खिलाफ जो आज बीजेपी सरकार ने चरम सीमा पे आज महंगाई है उसके खिलाफ सारे कांग्रेस जन जिला हेडक्वार्टर पे इकट्ठा होकर उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया। क्या कुछ दिया जा रहा है या क्या नहीं? आज हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, कोर्ट अरेस्ट का हमारा वो है कि हम सारे कांग्रेस जन इकट्ठा होकर आज जिला मुख्यालय पर आगे कोर्ट अरेस्ट का हमारा कार्यक्रम दुगना है। और वो समय दूर नहीं जब हरियाणा के लोग बिहार असम जाया करेंगे रोजगार के लिए, अगर यूं ही चलता रहा तो। हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है बढ़ती, ताकि ये जो निरंकुश महंगाई हो चुकी है, जो निरंकुश बेरोजगारी हो चुकी है, इसको कम करने के लिए कदम उठाए। कुलदीप बिश्नोई जी जिस भी पार्टी में जाएं, आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? पर क्या है कि आज ये सरकार बेरोजगारी की बहस से, महंगाई की बहस से बचती दिखाई दे रही है।